वालेकुम वेलकम टू दिनर सलीम शो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक जलसा हुआ था इमरान खान साहब का जिसके अंदर इमरान ख़ान साहब ने एक खातून जज को जिनको मजिस्ट्रेट बोला और फिर उनको भरे जलसे के अंदर सबके सामने बोला कि मैं आपके खिलाफ़ एक्शन लूँगा आज उन्हीं ख़ातून जज साहिबा के खिलाफ एक्शन लेने इमरान ख़ान साहब उन्हीं के दर पर पहुँच गए और फिर पता है एक्शन क्या लिया इमरान ख़ान साहब काला चश्मा लगा के कोट पहन के चमचमाता चमाता शलवार कुर्ता पहन के तमाम प्रोटोकॉल तमाम अहलो एहल अहलोयाल यानी कि ऑब्वियसली उनके सपोर्टर्स उनके साथ थे और हाँ कैमरा नहीं आपने भूलना कैमराज भी ले करके वो पहुँच गए जज जेबा चौधरी साहिबा की अदालत अब जब अदालत पहुंचते हैं तो वहाँ पर तो पता चला कि ओहो जज जेबा साहिबा तो है नहीं वो छुट्टी पर हैं या वो मौजूद नहीं है अदालत में तो फिर ख़ान साहब ने कहा कि ओहो मैं तो एक्शन लेने आया था और एक्शन तो अब मैं लेके जाऊंगा क्योंकि अब खान साहब तो अदालत आ गए ना अब जब आ गए चल करके तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो एक्शन लिए बगैर वापस चले जाते तो फिर खान साहब ने अपना एक्शन लेना शुरू किया और ख़ान साहब ने बोला कि मैं तो जज ज़ेबा साहिबा से मैडम जेबा साहिबा से माफ़ी मांगने आया हूँ कि अगर उनको मेरे अल्फाज से तकलीफ़ हुई मुस्कुरा रहे थे कॉन्फिडेंट थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सामने बात पता किससे कर रहे थे ख़ाली कुर्सी से क्योंकि जज साहिबा तो थी नहीं अदालत में सामने खाली कुर्सी थी और साथ में रीडर खड़ा हुआ था और फिर रीडर को गवाह बनाया कि आप बता दीजिएगा मैडम जेबा को कि कौन आया था इमरान ख़ान आया था और क्या करके गया माफ़ी मांग के चला गया तो ये इमरान ख़ान साहब का एक्शन था अच्छा अब इसको इस तरीके से बताने में इसको एक्शन मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि भरे जलसे के अंदर खड़े होकर के ये इमरान ख़ान का हेबिचुअल रवैया है कि वो तरियाँ लगाते हैं वो भड़के मारते हैं और जब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आता है जब अपनी जान पर पड़ती है जब अपनी डिस्कॉलीफिकेशन नज़र आती है जब यह नज़र आता है कि ओहो हो, अब तो मामला मेरे हाथ से निकल गया तो पहले वजाहतें देने की कोशिश करते हैं और फिर अल्टीमेटली उनको वो करना पड़ जाता है जो कानून और जो आयन डिमांड करता है खैरानी वेस जी वो जिनके खिलाफ एक्शन लेना था उनके पास उनके दर पर गए माफ़ी मांगी वो वहाँ मौजूद नहीं थी और खाली कुर्सी से माफ़ी मांग करके आ गए। ये एक इखलाकी तकाजा था जो कि इमरान खान साहब ने अपने तौर पर पूरा करने की कोशिश की मॉरल ग्राउंड समझते हैं ना आप लेकिन मामला है कोर्ट ऑफ लॉ में मामला है अदालत में तो इसका कानूनी जवाब तो देना ही देना है तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपने खान साहब की इस खाली कुर्सी से मांगी हुई माफ़ी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है अच्छा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये मॉरल ग्राउंड था कानूनी मामलात को कानूनी तरीके से हैंडल किया जाता है तो कानूनी तरीका इसका ये है कि जब तक हल्फन हल्फिया बयान में हल्फन माफ़ी नहीं मांगी जाएगी अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं मांगी जाएगी खान साहब की जान नहीं छोड़ी जाएगी जी हाँ खान साहब की जान इतनी आसानी से इस मामले में छूटती हुई नजर नहीं आ रही है अब इसके दो तीन चीजें जो कि मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि हम सब ने देखा कि हकीकत क्या थी आज पूरा दिन ये चलता रहा सोशल मीडिया की जीनत भी यही रहा लेकिन हमें हामिद खान साहब ने एक अफसाना सुना दिया अफसाना एक फ़िक्शन स्टोरी पता नहीं किसकी थी या हामिद खा, खान साहब कंफ्यूज कर रहे हैं हामिद खान साहब ने कहा कि हमने माफ़ी नहीं मांगी हालांकि हकीक़त क्या है हकीकत यह है कि खान साहब चलकर माफ़ी मांगने ही गए थे माफ़ी मांगी भी वो तो जज साहिबा वहाँ पर मौजूद नहीं थी जज नहीं थी आज लेकिन माफ़ी ही उन्होंने मांगी इसको माफ़ी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे मुझे तो समझ नहीं आती मतलब हामिद ख़ान भी ना ऐसे ही समझ रहे हैं कि आवाम को बहुत आसानी से मामू बना लेंगे दूसरी चीज़ ये कि इस पूरी एक्सरसाइज से एक चीज़ ये भी पता चलती है कि इमरान ख़ान साहब वो खान साहब जो डट कर खड़े हैं वो खान साहब जो कभी किसी के आगे नहीं झुकते वो इतने डरपोक होंगे इतने डरपोक निकलेंगे कि भाई उनको अच्छा खासा मौका दिया था जस्टिस अतर मनुल्ला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मनुल्ला साहब ने एक दफा आए उनका जवाब ठीक नहीं है वापस जाएं दोबारा लिख करके लाएं दोबारा सात दिन का मौका दिया अट्ठारह सफ़ात का एक उन्होंने जवाब लिखा माफी नाम की चीज़ उसमें नहीं थी बीच में जलसे में भी गए एक जलसा भी किया इस दौरान वैसे तो बहुत से जलसे किए लेकिन जिस जलसे में इमरान ख़ान साहब ने इस दौरान बात की तो उसमें कहा नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था मैं तो भई मतलब शबाज़ गिल के ऊपर तशद कर रहे थे मैंने तो शबाज़ गिल की हालत देखी फिर उसके बाद मेरा ये मतलब नहीं था मैं किसी भी अदलिया को या किसी भी लोअ जुडिशरी को या किसी भी मैं जो इदारा है उसको मैं ऐसे मिलाइन नहीं करना चाहता मैं उसकी उसको

ठीक है आपने गलती की हो आपने गुनाह किया हो आपने पब्लिकली जो है आ, किसी को डराने और धमकाने की कोशिश की हो तो माफ़ी भी उसकी पब्लिकली मांगनी चाहिए और उसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है लेकिन इमरान खान साहब के लिए इसलिए हाइस्ट लो है एक न्यूएस्ट लो है बेसिकली वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना मॉरल ग्राउंड याद रखा था मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा फवाद चौधरी भी कहते हैं माफ़ी तो खान साहब नहीं मांगेंगे उल्टा अदालतों को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए उल्टा कायम मुकाम चीफ जस्टिस को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे तो वो क्या हुआ कि पहले किसी ने मशवरा दिया होगा नहीं नहीं खान साहब तुस् हीरो बन के रहना है और अगर आपने हीरो बनना है तो आपने बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगनी है क्योंकि ऐसे तो लगेगा कि पता नहीं आप तो झुक गए और आप तो डर गए फिर किसी ने समझाया होगा कि नहीं नहीं खान साहब माफ़ी तो मांगना अच्छी चीज़ होती है माफ़ी मांगने से तो बड़प्पन इंसान का साबित होता है आप थोड़ी ना माफ़ी मांग करके छोटे हो जाएंगे फिर इमरान खान साहब उसकी बातों पर आ गए कि नहीं जी मुझे तो बहादुर भी बना है बनना है और मुझे हीरो भी बनना है और साथ ही साथ मुझे अपना बड़प्पन भी दिखाना है और यू टर्न यू टर्न तो वैसे ही अच्छे होते हैं ना खान साहब के लिए तो जब किसी ने यह समझाया होगा और ये हामिद ख़ान साहब भी होंगे उन्होंने कहा होगा कि आप ये कर लीजिए ये तमाम तर मामला बाकी मैं लीगली अहमद खान साहब ने कहा होगा मैं हूं ना लीगली मैं हैंडल कर लूंगा तो बस ये मामला हो गया सो भाई एक तो ये चीज़ थी दूसरी बड़ी खबर जिसकी वजह से इमरान खान साहब खबरों की जीनत बने रहे और आगे भी बने रहेंगे वो है जी द लीक ब्लास्ट टू इसलिए लीक ब्लास्ट और टू कह रही हूं क्योंकि एक ब्लास्ट हुआ था पहले वो एक मिनी ब्लास्ट था जिसके अंदर वो आजम खान साहब से बात कर रहे थे और वो ऑडियो लीक हो गई कि कैसे खेलना है वो रेसिपी तैयार कर रहे थे हैं गेम प्लान तैयार कर रहे थे खेलना कैसे है पिच के ऊपर बंदे खड़े कर रहे थे बता रहे थे कि कैसे आएंगे कैसे बॉल कराऊंगा और कैसे मैं खुद ही अपनी बॉल के ऊपर हिट विकेट हो गए हैं ये वो वाली जो ऑडियो आई थी ना जिसके अंदर कहा था कि खेलना कैसे है साइफर से अब इसी ऑडियो का पार्ट टू आया है और वो इसीलिए ब्लास्ट है क्योंकि पार्ट टू में किरदार भी डबल हो गए हैं पहले आज़म खान और इमरान खान साहब थे अब डबल किरदार कितने आदमी थे चार कौन कौन आज़म खान असद उमर शाह महमूद कुरैशी एंड कोर्स इमरान ख़ान साहब ठीक है ये चारों आपस में बात कर रहे हैं और साइफ़र के हवाले से और अमरीका के हवाले से और कैसे मज़दीद इस साजिश की हांडी को पकाना है और धीमी आंच पे तो पकाते नहीं हैं तेज़ आंच पे पकाना है इसको तो इस साजिश की हांडी को तेज आंच पे पकाने के लिए चार लोग इसमें आए और दो चीज़ें उसके अंदर भी सामने नजर आई दो चीज़ें एक तो ये थी कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले कहा कि अमेरिका का नाम नहीं लेना है ठीक है इसी टोन में ऐसे ही कहा भाई अमेरिका का नाम नहीं लेना है और ये मैं आप सबको बता रहा हूँ प्लीज़ अमेरिका का नाम नहीं लेना है और ये मैं आपको कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी सूरत मुल्क का नाम नहीं लेना ये इसी कॉन्टीन्यूटी में इमरान खान साहब ने बोला अब इसके ऊपर भाई इमरान खान साहब तो कहते थे आपने लोगों को कि आपने खौफ का बुत तोड़ना है इमरान खान साहब कहते थे हमने तो गुलामी की जंजीरें जो हैं उनको तोड़ देना है ऐसे खौफ का बुत तोड़ेंगे ऐसे गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे कि नहीं 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 अमरीका का नाम नहीं ले रहा वो फिर अलग बात है वो फिर अलग बात है कि इस पूरे साइफ़र एपिसोड के बाद इमरान खान साहब जब अभी वज़ी अजम ही थे तो उन्होंने कौम से ख़िताब किया और उस कौम के से ख़िताब करते हुए उनके ज़बान से अमरीका का नाम निकला और फिर लोगों को मना करते रहे कि नहीं नहीं अमरीका का नाम नहीं लेना बिल्कुल नहीं लेना अमरीका का नाम क्योंकि पता था ना कि झूठ है पता था कि क्या हो जाएगा बाद में लेकिन खुद ही खुद ही इंटरव्यू के अंदर अमरीका का नाम ले लिया वही तो मैं कह रही हूँ इमरान खान साहब को दुश्मन की क्या जरूरत है वो अपने अपने सबसे बड़े खुद दुश्मन है उसके बाद जी वो लेटर के बारे में बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि बल्कि इसद उमर साहब ने उनको बोला कि ये पूछा उन्होंने इंटरवीन किया इसदम साहब ने कि आप जानकर लेटर uh, का कह रहे हैं मतलब आप कहें ना कि लेटर नहीं है ये न, ये जो है मीटिंग uh, की ट्रांसक्रिप्ट है तो आगे से इमरान खान साहब कहते हैं नहीं नहीं लेटर ही ना ट्रांसक्रिप्ट का लोगों को क्या पता लोगों को समझ थोड़ी आएगी जलसे में कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है क्यों भाई क्यों समझ नहीं आएगी क्यों समझ नहीं आएगी आप पाकिस्तान की आवाम को आप अपने सपोर्टर्स को अपने वोटर्स को आप पाकिस्तानियों को समझते क्या हैं कभी आप किसी को पटवारी कह देते हैं कभी आप किसी को जाहिल कह देते हैं पता नहीं कभी आप किसी को क्या क्या कह देते हैं क्यों नहीं समझ आएगी आपने पाकिस्तान की आवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया समझा हुआ है कि आप उनको जब आपका दिल करेगा आप उनको मामू बना लेंगे जब आपका दिल करेगा आप उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे और कुछ खुदा का खौफ करें कुछ खुदा का खौफ करें इमरान खान साहब जो हैं वो हर दिन हर गुजरते दिन के साथ जो उनको वो एक फील्ड मिली हुई है ना एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड क्या उससे भी कहीं ज्यादा की फील्ड मिली हुई है ये जलसे कर रहे हैं ऐतजाज कर रहे हैं जो उनका दिल कर रहा है जो उनके मुंह में आ रहा है वो बोली चले जा रहे हैं कुछ नहीं सोचते फिर लीक्स भी धराधर धर हुई जा रही हैं तो इमरान खान साहब इसको रहमत नहीं समझ रहे हैं बल्कि इसको उसका वो मिस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारी हुकूमत है वो ऑलरेडी इंगेजड है सैलाब में इंगेज है अपने केसेस निपटाने में एंगेजड है बैरूनी दौरों में इंगेज है फाइनेंस को अपनी इकानमी को बेहतर करने में इंगेज है और इमरान खान साहब इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा नहीं यूज़ नहीं सिचुएशन का इस पूरी सिचुएशन को मिस कर रहे हैं तो हकूमत को भी यहां पर जागना चाहिए पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए इस मामले को गौर से देखना चाहिए और जिस तरह से अद लिया इस्टेब्लिशमेंट फॉरन ऑफिस की तोह और पमाली की जा रही है इस हुकूमत का काम है कि वो इमरान खान साहब के ऊपर एक एक्शन ले इनको ऐसे खुला ना छोड़ें इनको जंजीरें डालनी होंगी और वो अकॉर्डिंग टू द लॉ अकॉर्डिंग टू द आइन अकॉर्डिंग टू द कानून अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री लॉज करना पड़ेगा तो हुकूमत को भी अपना एक्शन दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये देखे ना जी स्टेट एक्ट के खिलाफ वर्जी है ये कौम को धोखा के बराबर आता है कौम के साथ फ्रॉड करने के बराबर आता है यह कौम के साथ फ्रॉज फ्रॉजरी करने के बराबर आता है इसलिए फौजरी करने के बराबर आता है क्योंकि ये मैनिपुलेशन है ये عوام को धोखा देना है उनके दिमाग उनके ज़हन के साथ उनकी सोच उनकी मोहब्बत के साथ खेलना है अगर ये ये नहीं है तो और क्या है इमरान खान साहब पहले दिन से जानते थे कि साइफर में क्या है इमरान खान साहब पहले दिन से जानते थे कि ना धमकी है और ना ये साजिश है लेकिन इमरान खान साहब ने इस साजिश को खुद रचा इसको इस खेल को खुद रचाया और फिर खुद खेला और इसकी जो विक्टिम है वो बनी पाकिस्तान की आम आवाम और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जी हाँ और अब तो वो चार लोगों ने मिल कर के मज़ीदी भांडा उनका फूट ही गया ना इसलिए के लेकिन देन अगेन इस नोट के ऊपर मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगी दिस इज स्टिल नॉट द एंड दिस इज स्टिल नॉट द एंड अभी मज़ीद पटाखे फूटेंगे मजीद ब्लास्ट होंगे मज़ीद लीक के ब्लास्ट्स होंगे और आपको आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों को अब भी थोड़ा इभाम रह गया है ना पूरी पूरी क्लैरिटी के साथ उनकी तसल्ली कराई जाएगी कि जब कोई पूछेगा ना तो कहना कि कौन आया था तो आप बताइएगा कि जी इमरान खान साहब आए थे जिनसे तो खेल भी सही से नहीं खेला गया जिनसे साजिश भी सही से नहीं खेली गई जिनसे तो साजिश रचाई भी सही से नहीं गई क्योंकि साजिश भी तो लीक हो गई इमरान खान साहब को तो उनके जो हैकर्स हैं वो भी सगे नहीं मिले कोई उनको सगा नहीं मिला इमरान खान साहब को इस वीलॉग में इतना ही अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात करते हैं लाइक करें सब्सक्राइब करें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा सी यू सून